सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीज वर्कशीट नंबर 69 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science history and we will revise the chapter nationalism in Europe in this worksheet. We'll discuss the 3 and 5 marker question answers in this worksheet. So as you all know, लास्ट वर्कशीट में हमने इसी लेसन के 1 मार्कर क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज हम इस वर्कशीट में 3 और 5 मार्कर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो आपको ये बताना है कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने फ्रांस के लोगों में एकता की भावना पैदा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। सो द आंसर इज द आइडिया ऑफ ला पात्री दैट इज द फादरलैंड एंड ले सितोयें द सिटीजन एम्फसाइज्ड अ यूनाइटेड कम्युनिटी स्पिरिट, यानी एक पितृभक्ति का और नागरिकता जैसे विचार, ये सब वहाँ पर उठे ताकि लोगों में एक कम्युनिटी वाली फीलिंग पैदा हो, ना कि अलग अलग आइडेंटिटी वाली। मतलब एक कॉमन फीलिंग आनी चाहिए उनके अंदर। इस तरीके से इन जो आइडियाज़ को फैलाया गया। सेकेंड इज़ द ट्राई कलर वॉज एस्टैब्लिश्ड एज द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ फ्रांस रिप्लेसिंग द इनिशियल मोनार्कियल स्टैंडर्ड्स। और जो पुराने राजतंत्र वाले जो चिन्ह होते थे उनको हटा के फ्रांस का एक नया तिरंगा झंडा अपनाया गया। अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश, मतलब एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया गया ताकि सबके लिए एक जैसा ही हो, कोई अलग अलग रूल्स ना हो। फोर्थ इज द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस वॉज डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल लैंग्वेज। तो जो अलग अलग क्षेत्रीय बोलियां थीं उनको तो एक तरह से डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया। लास्ट इज अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेइंग वॉज इम्प्लीमेंटेड, और पूरे देश में नाप तोल की एक समान विधि को, पूरे व्यवस्था को अपनाया गया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड रिवोल्यूशनाइज्ड होल एडमिनिस्ट्रेशन। कमेंट, यानी जो नेपोलियन के प्रशासनिक उपाय थे उन्होंने पूरे प्रशासन के लिए एक तरह से उनमें क्रांतिकारी चीज़ों को पैदा कर दिया। मतलब बहुत ही बढ़िया उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर किए। आपको इसके बारे में बताना है। तो उसके कौन कौन से मेजर्स थे, यहाँ पे मैंने 3 चूज़ किए हैं। सो द फर्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी जो ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न वॉज अप्रूव्ड। द फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड, जो सामंती व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया गया। द फार्मर्स वर रिलीव्ड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द ड्यूज ऑफ द लैंड ओनर्स एंड जमींदार्स, और जो फार्मर्स थे उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त किया गया, जिस जो कि वो टैक्स पे करते थे। किसको? जमींदारों को और भूस्वामी को जो टैक्स पे करते थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको रिलीव कर दिया गया। Urban area reforms, the control of artisans category associations in cities was abolished, यानी जो कारीगरों का एक संघ वाला होता था जिनके दबदबा रहता था शहरों में, उस चीज़ को ख़त्म किया। फिर improvement in transport, improvement in traffic और communication system, जो traffic था, transport था और communication system था उसमें उसने improvement किया। Question number 3 is discuss the role played by the culture in creating the European concept of nation. अब आपको बताना है कि यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन में, यानी कि यूरोप में एक राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट था उसको क्रिएट करने के लिए कल्चर ने कैसा अपना रोल प्ले किया, कल्चर ने क्या रोल प्ले किया। तो कल्चर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक। डेवलप्ड नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, यानी लोगों में राष्ट्रवादी भावना भरने के लिए आर्ट ने, पोइट्री ने, स्टोरीज़ ने, म्यूज़िक ने बहुत उन्होंने इस चीज़ को विकास किया लोगों के अंदर। दूसरा है फोकलोर्स, पब्लिक पोइट्री एंड फोक डांस। folk dances such as Polonese and Mazurka were used as nationalist symbols in Poland. तो देखिए फोक डांस जैसे Polonese और Mazurka ने क्या किया, वो अब पोलैंड में एक राष्ट्रवादी प्रतीक के रूप में यूज़ किए जाने लगे. सेकेंड इज एम्फेसिस ऑन लोकल डायलैक्ट्स एंड फोकलोर्स, और जो स्थानीय बोलियां होती थी और जो कहानियां होती थी, लोक कहानियां जो होती थी या लोक साहित्य होता था, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया. जैसे द ग्रिम ब्रदर्स कलेक्टेड मैनी फोक टेल्स एंड यूज दैम एज अ वेपन अगेंस्ट फ्रेंच डोमिनेशन इन जर्मनी. यानी जर्मनी में फ्रेंच डोमिनेशन के अगेंस्ट ग्रिम बंधुओं ने बहुत सारी लोक कथाओं का संग्रह किया और उसको एक हथियार के रूप में यूज़ किया जर्मनी में फ्रेंच डोमिनेशन के विरुद्ध. एंड लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. The use of the Polish language was banned in school in Poland. Schools in Poland. देखिए पोलैंड के स्कूल्स में पॉलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था. इन रिस्पॉन्स पीपल गैदर्ड इन द चर्च एंड स्टार्ट यूजिंग द पॉलिश लैंग्वेज. और इसके विरोध में लोगों ने क्या किया, लोग चर्च में इकट्ठा हुए और उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू कर दिया. इन दिस वे द यूज़ ऑफ पॉलिश लैंग्वेज बिकम अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन इन यूरोप. तो देखिए इस तरीके से यूरोप में रशियन डोमिनेशन के अगेंस्ट लोगों ने पॉलिश लैंग्वेज को एक स्ट्रगल का, एक संघर्ष का प्रतीक के रूप में वो इसको इस्तेमाल करने लग गए उनके विरुद्ध. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो देखिए मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है. इन 1848 एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू फॉर्म अ नेशन स्टेट गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट बाय एनेक्सिंग वेरियस एरियाज ऑफ द जर्मन फेडरेशन. तो 1848 में एक प्रयास किया गया कि उसको एक जर्मन स्टेट बनाया जाए जो कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू गवर्न किया जाए. But this liberal initiative was suppressed by the power of the monarchy and the army. तो देखिए राजतंत्र और सेना की सहायता से इस liberal initiative को दबा दिया गया. Then Prussia took over the leadership of the movement for national integration. फिर इस प्रशा ने इस बात की जिम्मेदारी ली और नेतृत्व किया उस मूवमेंट का ताकि राष्ट्रीय एकता पैदा हो सके. His principal minister, यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह हम चीफ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए चीफ. हिज चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द फादर ऑफ दिस प्रोसेस. और जो जो प्रमुख मंत्री थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले किया, इसलिए उनको हम इस प्रोसेस का फादर भी कहते हैं. Next point is he won all the three wars with Austria, Denmark and France during 7 years with the help of Prussia's army and bureaucracy. और फिर उन्होंने इसने जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ अपने 7 वर्षों के दौरान इन तीनों युद्धों को जीता. किसकी सहायता से? प्रशा के आर्मी से और ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशा की सेना की हेल्प से उसने ये तीनों युद्ध जीते. On 18 January 1871, a meeting of several important ministers, including representatives of Prince Army of Germany and Bismarck. तो देखिए 18 जनवरी 1971 को एक मीटिंग की गई जिसमें जो राजकुमार थे उनके प्रतिनिधित्व थे और जर्मनी की आर्मी थी और बिस्मार्क थे जो कि प्रमुख मंत्री थे. इनके बीच में एक मीटिंग हुई. मीटिंग वॉज हेल्ड एट द शीश महल इन वर्साय. वर्साय के शीश महल में एक मीटिंग हुई. द असेंबली अनाउंस द न्यू जर्मन एम्पायर अंडर द लीडरशिप ऑफ काइजर विलियम ऑफ प्रशिया. तो जो प्रशिया के राजा थे काइजर विलियम फर्स्ट, उनकी लीडरशिप में एक न्यू जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई, एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा इसमें की गई और उसको अनाउंस किया गया कि अब से ये पूरा एक नया जर्मन साम्राज्य है. Now the fifth question, what were the main stages of unification of Italy? What were the main problems? तो आपको बताना है unification of Italy के main stages क्या थे, कैसे कैसे unification of Italy हुआ और what were the main problems, उसके unification में क्या क्या problems थी. तो first is Cavour became the prime minister of Sardinia in 1832. जो कावूर था उसको सार्डिनिया का वो प्रधानमंत्री बन गया 1832 में. ट्रीटी विद फ्रांस, ऑस्ट्रिया ट्रीटी विद फ्रांस, फ्रांस के साथ समझौता हुआ, ऑस्ट्रिया डिफीटेड, ऑस्ट्रिया को हराया गया एंड 1859 लोम्बार्डी मर्ज इनटू द किंगडम, और लोम्बार्डी को अपने इस राज्य में उन्होंने मिला लिया। देन मोडेना, टस्कनी, पारमा एक्सेट्रा मर्ज इनटू द सार्डिनिया बाय रेफरेंडम, और मोडेना, टस्कनी और पारमा जैसे जो राज्य थे उनमें रेफरेंडम करा के उनको भी सार्डिनिया में मर्ज कर दिया गया। conquest of Sicily and Naples by Garibaldi in 1860, और 1860 में गैरीबाल्डी के द्वारा सिसली और नेपल्स को भी जीत लिया गया। अथॉरिटी ओवर वेनिशिया एंड रोम, रोम और वेनिशिया पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया गया, उसको भी अपने आधिपत्य में कर लिया गया। कंप्रोमाइज विद पोप इन 1871 एंड इमरजेंस ऑफ यूनिफाइड इटली, और 1871 में पोप के साथ समझौता किया गया और इस तरह से एक नए एकीकृत इटली का उदय हुआ। फिर बैरियर्स टू इंटीग्रेशन, और प्रॉब्लम्स भी हो सकता है कि प्रॉब्लम्स टू इंटीग्रेशन, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी इंटीग्रेशन में? एक तो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, यानी जो जिस तरह से जर्मनी बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ था, ऐसे ही इटली भी अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था, तो इसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनको कैसे एक करें। ऑक्यूपेशन ऑफ फॉरेन पावर्स, और इन सब पर किसी न किसी फॉरेन पावर्स का ही कब्जा था। पेपल रूल, पेपल रूल कह सकते हैं या रूल ऑफ पोप भी कह सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं रूल ऑफ पोप, यानी पोप का उस समय रूल चलता था, हर जो जितने भी वह राज्य थे अलग अलग। वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस में भी जो इस इटली के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई, बल्कि फ्रांस को जो है आगे बढ़ने से रोका गया और उसको जो है उसके बाउंड्रीज पर अलग अलग राज्य बना दिए इटली के, और इस तरह से फिर कंजर्वेटिव रूलर, कंजर्वेटिव रूलर का मतलब है कि निरंकुश शासक थे जो कि कभी नहीं चाहते थे कि इटली को यूनिफाई किया जाए। Now the sixth question, in Britain the formation of nation state was a result of long drawn out process, discuss। देखिए तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन में जो एक राष्ट्र राज्य बना वो केवल एकदम नहीं बना, बल्कि वो एक लंबी प्रक्रियाओं का एक परिणाम था। तो उसके बारे में आपको बताना है कि कैसे वो वहाँ पर नेशन स्टेट डेवलप हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। आंसर इज, फर्स्ट पॉइंट इज इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग रनिंग प्रोसेस, नॉट ऑफ एन अपहीवल ऑफ रेवोल्यूशन। तो वही मतलब है कि पहले वाले मतलब थोड़ा सा हमने क्वेश्चन में से ही लिख लिया है कि किस तरीके से ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रियाओं का रिजल्ट था, एकदम से ये कभी भी नहीं हुआ या रेवोल्यूशन के जरिए एकदम नहीं हुआ। कैसे हुआ? फर्स्ट, एथनिक आइडेंटिटी। सबसे पहले वहाँ क्या था? एथनिक आइडेंटिटी थी, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग थी, कोई स्कॉटिश था, कोई इंग्लिश था, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ द नेशन, और फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर नेशन की जो इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगी। फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन इन 1688, 1688 में ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन को बनाया गया, उसकी स्थापना की गई। डोमिनेशन ऑन स्कॉटलैंड, फिर स्कॉटलैंड पर उसको अपने कब्जे में किया गया, उस पर अधिकार किया गया। आयरलैंड वॉज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, और 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ब्रिटिश नेशन, और इस तरीके से एक नया ब्रिटिश ब्रिटिश पूरा राष्ट्र बनाया गया। डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश कल्चर, धीरे धीरे इंग्लिश कल्चर की डोमिनेंस होती चली गई, यहाँ तक कि जो वहाँ की पार्लियामेंट थी वहाँ पर भी धीरे धीरे इंग्लिश कल्चर ने, इंग्लिश लैंग्वेज ने ही अपनी डोमिनेंस कर ली। फ्लैग ऑफ द नेशन एंड प्रमोशन ऑफ द नेशनल एंथम, और फिर क्या हुआ? पूरे राष्ट्र का झंडा एक बनाया गया और नेशनल एंथम को ही प्रमोट किया गया, जिससे क्या हुआ कि वो एक नेशन स्टेट बन जाए। द ओल्ड नेशन ओनली एज एन अलाई, और जो पुराने जो राष्ट्र थे उन वो केवल अब एक सहायक की भूमिका ही निभा रहे थे, उनकी और कोई भूमिका नहीं थी। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, विच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ऐसे कौन से कारक हैं जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार हैं या उत्तरदायी हैं? तो फर्स्ट इज राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज़ में नेशन स्टेट्स डेवलप होने लगे, यानी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग थी, तो अब वो अलग अलग राज्यों में ना बट के बल्कि एक देश चाहते थे, तो इसलिए धीरे धीरे हर कंट्री में नेशन स्टेट्स डेवलप होने लग गए। प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, धीरे धीरे यूरोप की हर कंट्री में डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को बढ़ावा दिया जाने लगा, क्योंकि सब लोग अब समझते थे कि जो इक्वालिटी है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, यही प्रिंसिपल्स सब कंट्रीज़ में होने चाहिए। एम्फेसिस ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, क्योंकि आपने देखा होगा जब मोनार्की होती है तो वहाँ पर सिटीजन्स को कोई राइट्स नहीं होते, तो इसलिए सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। डिमांड फॉर ह्यूमन राइट्स इन अदर नेशंस, और दूसरी कंट्रीज़ में भी ह्यूमन राइट्स की डिमांड की जाने लगी। रिवोल्यूशनरी रिएक्शंस इन ऑटोक्रेटिक मोनार्की, और जो निरंकुश राजशाही थी वहाँ पर लोगों के क्रांतिकारी रिएक्शंस आने शुरू हो गए, क्योंकि जब फ्रांस से ये सब चीज़ें शुरू हुई और फ्रांस को जब देखा लोगों ने कि भाई जब फ्रांस ये कर सकता है और इसमें इतनी अच्छाइयाँ, तो धीरे धीरे सभी जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ थी वहाँ पर भी ये डेमोक्रेसी आनी शुरू हो गई। लेकिन डेमोक्रेसी कैसे आई? जब लोगों में एक यूनिटी वाली फीलिंग हुई, और वही नेशनलिज्म कहलाई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं और नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। और ये कब इसको कब बनाया गया था? फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी? 1804 में। क्या क्या इसके मेन प्रोविज़न थे? एबॉलिशन ऑफ फैसिलिटीज़ बेस्ड ऑन द बर्थ, या यहाँ पर राइट्स भी लिख सकते हैं, फैसिलिटीज़ भी लिख सकते हैं और राइट्स भी लिख सकते हैं। जो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार थे उन्हें खत्म किया गया सबसे पहले। सेकंड इज रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, यानी जो एक प्रॉपर्टी पर एक इंडिविजुअल का राइट होता है उसको रिस्टोर किया गया, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि वो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल नहीं थी बल्कि पूरी कंट्री की थी, ऐसा वहाँ पर हो रहा था। एंड ऑफ ज़मींदारी एंड फ्यूडल सिस्टम, ज़मींदारी और सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया गया। इम्प्रूवमेंट इन ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। स्टैंडर्ड वेइंग स्केल्स वर रन, और पूरे देश में एक समान नाप तोल की जो व्यवस्था थी उसको अपनाया गया। वन नेशन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस, और पूरे देश में एक ही राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन, द डिकेड ऑफ 1830 हैड ब्रॉट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको इसमें बताना है कि जो 1830 का डिकेड था वो यूरोप के अंदर बहुत ही आर्थिक कठिनाइयाँ, बहुत ही मुश्किलें लेकर आया था, तो आपको इसकी सपोर्ट करना है, यानी इसके बारे में बताना है कि कैसे कैसे वो हुआ था। तो आंसर इज़ द 1830s ब्रॉट इकोनॉमिक ट्रबल्स टू यूरोप इन द फॉलोइंग वेज। तो जो 1830 का डिकेड था वो इकोनॉमिक ट्रबल यूरोप में किस तरह से लेकर आया ये लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इज़ इन यूरोप देयर वर मोर अनएम्प्लॉयमेंट पीपल देन जॉब्स इन दिस पीरियड, यानी इस समय में यूरोप के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थे कंपैरिजन टू जॉब्स, यानी जॉब्स कम थी और अनएम्प्लॉयमेंट लोग ज़्यादा थे, अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा थे। सेकेंड इज स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट इन द सिटीज़ हैड टू फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप एंड ड्यूरेबल इंग्लिश गुड्स मेड बाय मशीन्स। तो जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उद्योगपति होते थे शहरों के अंदर, उन्हें बहुत ही कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता था, किससे? जो कि मशीन से बने हुए इंग्लिश गुड होते थे, वो सस्ते होते थे और टिकाऊ होते थे, तो इसलिए उनके साथ उनको स्टिफ कॉम्पिटिशन करना पड़ता था। Then third point is the level of industrialization in England was higher than the European continent, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट से ज़्यादा इंग्लैंड में उद्योगीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा था। द कॉन्टिनेंट हैड टू फेस दिस कॉम्पिटिशन मोर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और पूरे यूरोप को जो ये कंपटीशन फेस करना पड़ा था, ख़ास तौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में जो उद्योगीकरण था उसका लेवल बहुत ज़्यादा था और ख़ास तौर से वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पर ही जोर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन एरियाज़ ऑफ यूरोप वेयर द एलाइट वर स्टिल इन पावर द पेजेंट्स वर बर्डन विद फ्यूडल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और यूरोप के जिन एरिया में अभी भी कुलीन वर्गों का प्रभुत्व था, वही शासन में थे, तो वहाँ पर अभी भी किसानों की बहुत बुरी ज़िंदगी हो रही थी, क्योंकि उन्हें अभी भी वो सामंती कर वो देने पड़ते थे। द वैल्यू ऑफ फूड वॉज स्टार्टिंग टू इंक्रीज, जो भोजन था, रोटी थी, उसकी कीमतें बढ़ रही थी धीरे धीरे। किस कारण से? ड्यू टू क्रॉप फेलियर वाइड स्प्रेड पावर्टी वॉज स्प्रेडिंग इन द सिटी एंड विलेज, और जो फसल ख़राब हो रही थी उनकी वजह से, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह गरीबी फैल रही थी। नाउ द 10th क्वेश्चन, हाउ डिड द फीमेल फिगर्स बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो आपको ये बताना है कि किस तरीके से यूरोप में 19 सेंचुरी के दौरान जो फीमेल फिगर्स थी वो एक राष्ट्र का रूपक बन गई। एलेगरी का मतलब रूपक, उसको दिखाने वाले, राष्ट्र का प्रतीक बन गई। तो आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट इज 18th एंड 19th सेंचुरी आर्टिस्ट पर्सनिफाइड ऑफ अ नेशन इन एलेगरीज। तो देखिए जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो चित्रकार थे उन्होंने धीरे धीरे नेशंस को, उन्होंने राष्ट्र को एक पर्सन के रूप में प्रतीक बनाना शुरू कर दिया। आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेटेड नेशंस एज अ फीमेल फिगर विच डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन बट गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म। तो देखिए जो चित्रकार लोग होते थे उन्होंने धीरे धीरे राष्ट्र को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। और हालांकि ये जो फीमेल फिगर होती थी आम जीवन में, असल जीवन में कोई बहुत महत्वपूर्ण महिला नहीं होती थी, बल्कि क्या किया गया कि एक जो नेशन का एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था उसको एक कंक्रीट फॉर्म देने की कोशिश की गई थी। 10 फीमेल फिगर्स बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन, और इस तरह से जो फीमेल फिगर्स थीं वो एक नेशन का प्रतीक बन गई, एक रूपक बन गई। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फेमिनाइन फॉर्म टू एक्सप्रेस आइडियाज सच एज इंडिपेंडेंस, जस्टिस एंड रिपब्लिक। और उदाहरण के लिए देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो चित्रकार थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए एक फेमिनाइन फॉर्म को यूज़ किया। इन फ्रांस इट हैज़ बीन गिवन द पॉपुलर क्रिश्चियन नेम मारियान विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ द मास नेशन। और फ्रांस में इसको एक फेमस क्रिश्चियन नेम दिया गया मारियान, जिसने कि एक नेशन के आइडिया को अंडरलाइन किया, उसको लोगों को समझाया। जर्मेनिया बिकेम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन, और जर्मेनिया को जर्मन राष्ट्र का रूपक बनाया गया। जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक ट्री लीव्स, वो जो जर्मेनिया थी वो अपने सर पर ओक ट्री लीव्स का एक क्राउन पहनती है। बिकॉज द जर्मन ओक इज़ अ सिंबल ऑफ हीरोइज्म, क्योंकि जो जर्मन ओक है वो वीरता का प्रतीक है। इस तरीके से जो फीमेल फिगर थी वो एक एलेगरी ऑफ नेशन बन गई। नाउ द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर को करना है। In a lecture delivered at the University of Sorbonne in 1882, the French philosopher Ernst Renan (1823–92) outlined his understanding of what makes a nation. यानी देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ सोबोन में 1882 में जो फ्रेंच फिलासफर थे अर्न्स्ट रेनन, उन्होंने बताया कि एक नेशन कैसे बनता है, अपनी समझ नेशन के बारे में उन्होंने बताई। The lecture was subsequently published as a famous essay entitled "Qu'est-ce qu'une nation?" मतलब what is a nation? ये एक फ्रेंच वर्ड है "Qu'est-ce qu'une nation?" उसको ऐसे ही बोला जाता है और इसका मतलब होता है what is nation? और बाद में इसको एक निबंध के रूप में प्रकाशित किया गया जिसका मतलब था कि नेशन क्या है। In this essay, Renan criticized the notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion or a territory. तो उन्होंने इसमें क्रिटिसाइज़ किया उन विचारों को जो ये कहते थे कि कि नेशन जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी से बनता है। उनके हिसाब से अ नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। उनके हिसाब से जो था कि ये एक एंडेवर, सेक्रीफाइस और डिवोशन का एक बहुत ही लंबा इतिहास होता है, उसका संग्रह होता है। अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज़ द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। और इस तरीके से नेशनल आइडिया क्या होता है, नेशनल आइडिया इस पर आधारित होता है कि एक हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन यानी बहुत ही बहादुर लोग, और ग्लोरी जो वीर शौर्य हैं, इन सब से जो है नेशन आइडिया जो इन सब के ऊपर बेस्ड होता है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, दीज आर असेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पीपल। और इसका मतलब है कि जैसे अतीत में जो बीत चुका है समय, उसमें समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे और काम करने की इच्छा, यही एक जनसमूह होने की सबसे ज़रूरी शर्त है। अ नेशन इज़ देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, इट्स एग्जिस्टेंस इज़ अ डेली प्लेबिसाइट, अ प्रोविंस इज़ इट्स inhabitants, if anyone has the right to be consulted it is the inhabitant। यानी इस तरह से एक नेशन एक बहुत बड़ी और व्यापक एकता है और उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह यानी लोगों की इच्छा है, प्रांत उसके निवासी हैं और अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वो निवासी ही हैं। यानी अगर किसी से भी सलाह ली जाए तो उसके प्रांतों से ली जाए, उसके अलग अलग हिस्सों से ली जाए। अ नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज़ अ गुड थिंग, अ नेसेसिटी इवन। देयर एग्जिस्टेंस इज़ अ गारंटी ऑफ लिबर्टी विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। तो कहने का मतलब है कि किसी देश का अपने अंदर मिलाना या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखना, ये वास्तव में एक देश इसकी दिलचस्पी नहीं होती किसी भी देश के अंदर। तो देश का अस्तित्व या राष्ट्र का अस्तित्व होना एक बहुत ही अच्छी बात है और बल्कि एक ज़रूरत भी है, और उनका राष्ट्र होना ही एक जो है लिबर्टी की एक गारंटी है। और अगर आप देखिए दुनिया में केवल एक ही कानून हो और उसका केवल एक ही मालिक हो तो फिर तो लिबर्टी नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं जाएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज अर्न्स्ट रेनन? अर्न्स्ट रेनन वॉज द फ्रेंच फिलोसफर, वो एक फ्रेंच फिलोसफर था। सेकेंड इज व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू अर्न्स्ट रेनन? तो अर्न्स्ट रेनन के हिसाब से एक राष्ट्र के अंदर क्या क्या मुख्य विशेषताएँ होनी चाहिए, तो या उन्होंने ऐसा बताया उनके हिसाब से कैसा होना चाहिए। अ नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट एंडेवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज़ द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर सी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिबर्टी। यानी स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए एक नेशन का क्या रोल उसमें होता है कि मतलब वो स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज़ अ गुड थिंग एंड अ नेसेसिटी इवन, देयर एग्जिस्टेंस इज़ अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। और ये बताया गया कि नेशन का एग्जिस्ट होना एक बहुत अच्छी बात है और ज़रूरत भी है, और यही उसकी एग्जिस्टेंस लिबर्टी की गारंटी है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन द नेशन इन योर ओन वर्ड्स। अ नेशन इज़ अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज, टेरिटरी, हिस्ट्री, एथनिसिटी और अ कॉमन कल्चर। यानी नेशन जो है वो ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो कि एक कॉमन लैंग्वेज, टेरिटरी, हिस्ट्री और एथनिसिटी और कॉमन कल्चर के साथ जुड़े होते हैं, उस पर आधारित होते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।